नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी, मैं मौजूद हूँ रीवा के सबसे प्रमुख बाजार शिल्पी प्लाजा में। शाम के 5 बजने के आसपास है, यहाँ का नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जिस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे होंगे, शहर का प्रमुख बाजार किस तरीके से बंद है, कुछ चंद गाड़ियाँ ही आती जाती दिखाई दे रही हैं, वो भी सरकारी गाड़ियाँ। उसके अलावा यहाँ पर पूरी तरीके से सन्नाटा है, जैसा कि आप अपने टीवी स्क्रीन पर भी इस समय देख पा रहे होंगे। लॉकडाउन का 3 दिन पूरा होने के बाद आज फिर से लॉकडाउन 3 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया, इसकी बातें फिर कभी। इस दौरान रीवा में जो घटनाएं घटी, आज बात उनकी मैं करूंगा। जी हां, बात उनकी। पिछले दिनों यहां पर एक सब्जी व्यापारी के साथ, सब्जी के ठेले के साथ जिस तरीके का व्यवहार किया, मैं आपको पहले वो दृश्य दिखाता हूँ, फिर उसके बाद जब प्रशासन से इस बारे में बात की गई तो उनका क्या कहना था। उनका कहना था रोको टोको अभियान के तहत यह कार्रवाई हमने की है। हालांकि वह महिला बार बार कह रही थी, मेरे माता पिता नहीं है, मैं घर में अकेली कमाने वाली हूँ। मैं दृश्य को बदलता हूं, दृश्य नंबर 2। जी हां, दृश्य नंबर 2 आज की बात कर ली जाए। पहले आज रीवा के सिटी कोतवाली में लॉकडाउन की घोषणा कल देर से हुई थी, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को इस बात की जानकारी नहीं थी। ठेला लेकर बाजार पहुंच गए बेचने, पुलिस ने उनके तराजू बाट को जब्त कर लिया। जब इस बारे में सिटी कोतवाली TI से बात हुई तो उनका कहना था हमने समझाइश दी है, ये अच्छी बात थी। समझाइश देने के बाद उनको छोड़ दिया गया, लेकिन उस सब्जी उस फल का क्या जो पिछले 3 दिन से घर में रखे हुए खराब हो रहे हैं। क्योंकि आदेश कल दूसरे टाइम में प्रसारित किया गया था, जिसके कारण से कुछ स्थानों पर लोगों को सूचना नहीं पहुंच पाई, खासतौर से गांव देहात में। शहर में तो लगातार सभी थाना मोबाइलें घूम घूम करके पूरे मोहल्लों में गलियों में घूम करके अवगत कराया गया था कि 3 दिन का पुनः लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, किंतु जो शहर से लगे हुए गांव देहात के लोग हैं वहां तक खबर न पहुंच पाने के कारण उनके वो शहर में पहुंच गए थे सामान्य दिनों की तरह, किंतु करीब 1 घंटे की मशक्क़त के बाद सभी लोगों को समझाया जा करके उनको वापस किया गया। मोहल्ले के लोग जो उसके बाद भी जिनको कि अवगत करा दिया गया था, उसके बाद भी जो घूमते पाए जा रहे हैं, उनकी मोटरसाइकिलों की हवा निकाली जा रही है, मोटरसाइकिलें खड़ी कराई ली जा रही हैं, उनको ले जाके थाने में बैठाया जा रहा है। सब्जी वाले फल वाले जो ठेला लेकर के निकल पड़े थे, उनके सबके ठेला के सबके तराजू बाट जब्त कर लिए गए हैं। उनको हिदायत दी गई कि सभी अपने अपने घर जाएं, जो अब पूरी तरह से स्थिति नियंत्रण में है। फिर एक बार दृश्य बदलता है, दृश्य नंबर 3। मैं आपको 2 दिन पहले की एक घटना दिखाता हूँ। दूल्हा दुल्हन शादी करके जब यहाँ से लौट रहे थे, उस दौरान पुलिस ने उनकी गाड़ी रोकी, गाड़ी से हवा निकाल दी गई। इस बारे में जब यहाँ के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से बात की गई तो उनका कहना था इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए, जिनके पास परमिशन है उनको नहीं रोका जाना चाहिए। इन तीनों दृश्यों को देखने के बाद आप क्या सोचते हैं, ये आपको खुद तय करना। लॉकडाउन की शक्ति अपनी तरफ, लोगों की मजबूरियां अपनी तरफ। जैसा कि आपको विदित है, 3 दिवसीय लॉकडाउन संपूर्ण रीवा में फोर्सफुली पालन किया कराया जा रहा है। मुझे आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है कि दूल्हा दुल्हन की गाड़ी की हवा निकाली गई थी, उनके पास परमिशन भी थी। आज सभी थाना प्रभारी शाम को पेट्रोलिंग के दौरान सभी को निर्देशित किया जाएगा कि जिनके पास परमिशन हो, जिनके पास वाजिब कारण हो, उन्हें छोड़ दिया जाए, उनके साथ में इस तरह का व्यवहार न किया जाए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।